मैं अयोध्या में खड़ा हूँ राम की पैड़ी पर, वो राम की पैड़ी जहाँ पर चार दिन तक दीपोत्सव मनाया जाता है और सरकार द्वारा यह बताया जाता है कि पूरे अयोध्या के लोग खुशी के कारण दीपोत्सव में भागीदारी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद यहाँ के जो व्यापारी हैं वो इस चीज़ को लेकर उत्साहित थे कि इनका व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा और ये भी अन्य शहरों के व्यवसायों के मुकाबले में अपने व्यवसाय को खड़ा कर पाएंगे। लेकिन राम मंदिर के फैसले आने के बाद सरकार ने जो अयोध्या को लेकर खाका खींचा, उससे तो यहाँ के व्यापारियों को यह महसूस हुआ कि व्यवसाय बढ़ाने की बात तो दूर, जिस व्यवसाय से वो आज तक जीवन यापन करते रहे हैं शायद उसी पर संकट के बाढ़ मंडरा रहे हैं। दरअसल अयोध्या में विस्तारीकरण या यूं कहें कि सरकार द्वारा सड़क के चौड़ीकरण को लेकर जो मुख्य मार्ग है शहादतगंज से नया घाट तक के मार्ग को लगभग 72 फुट चौड़ा करने से इतनी दुकानें उसके जद में आ रही हैं कि अयोध्या के सारे व्यापारियों के व्यवसाय को खत्म होने का संकट मंडरा रहा है। इसीलिए अयोध्या के व्यापारियों ने अपने स्तर से जहां पर भी इस व्यवसाय के समाप्त की शंकाओं को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव, जहां पर भी आवाज़ उठा सकते थे उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की और उठाई भी। लेकिन थक हार कर जब कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी तो आज उन्होंने इन्हीं राम की पैड़ी पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने गांधी जी के ही सिखाए हुए आदर्शों पर चलते हुए उपवास करना शुरू किया है। शीलेंद्र प्रताप सिंह, टुडे 24, अयोध्या।